स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने खोला हुआ है, अपना होस्टिंग अकाउंट खोल लिया हुआ है मैंने, ठीक है। और होस्टिंग के लिए आपको यहाँ से सर्विसेज में जाना है। अच्छा, और इसे खोलने के लिए आप एक्टिव के बटन पे क्लिक करो, ये एक्टिव है ना, जो समझो ये ओपन का बटन है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने सर्विसेज दिया होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने होस्टिंग ही लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें जाना है सी पैनल में, और सी पैनल से हमने जाना है डोमेन्स में, और यहाँ पर देखें ये सब डोमेन की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। एक डोमेन लिखा हुआ है और एक सब डोमेन लिखा हुआ है, सो हमने यहाँ से सब डोमेन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये सब डोमेन में जाने की बजाय कहाँ पर आया है, इधर ही वापस आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको डोमेन की ऑप्शन मिलेगी, देखिएगा ज़रा, देखते हैं यहाँ पर डोमेन कहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है डोमेन्स, और यहाँ पर सब डोमेन नहीं है, कोई बात नहीं, डोमेन पे आ जाएं। अब यहाँ पर आकर ना हमने एक सब डोमेन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपने अपनी सब डोमेन का नाम रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं टेस्टिंग के लिए आपको एक नाम दे रहा हूँ, डेमो डॉट। अब ये डेमो जो है ना मेरी सब डोमेन का नाम है, आगे मैंने डॉट लगाया और डॉट के बाद मैं आगे डोमेन का नाम लिखूंगा, मेन डोमेन का, जिसके अंदर हम सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ आकर हमने टाइप कर दिया जी 4starin.com। इसका क्या मतलब हुआ कि 4starin.com हमारी मेन डोमेन है और डेमो उसके अंदर एक सब डोमेन बनने जा रही है, ठीक है। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट का बटन प्रेस कर देंगे। अब आप जरा देख लीजिए, अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं यूज दिस इंटरफेस टू मैनेज योर डोमेन्स, ठीक है। और ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डोमेन। अब यहां पर आकर हम दोबारा से लिख लेते हैं, वही लिखूंगा मैं, डेमो डॉट 4starin.com, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक सब डोमेन बनने जा रही है, यहाँ पर नज़र भी आ गई हमें। और ये क्या लिखा हुआ है, सबमिट एंड क्रिएट अनदर, अगर आपने एक और बनानी हो, अभी फिलहाल हमने एक ही बनानी है, तो ये लिख के हम इसको सबमिट के बटन को प्रेस कर देते हैं। जरा चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर डेमो की डोमेन आ गई आपके पास, ठीक है। आप देख रहे हैं इस डेमो की डोमेन आ गई, इट्स ओके, हमारा काम खत्म हो गया ये वाला। अब हम वापस आ जाते हैं मेन पर जी। अब मैं यहाँ मेन पर आ गया हूँ, और यहाँ से मैंने चले जाना है फाइल मैनेजर में। जरा देखते हैं कि फाइल मैनेजर कहाँ है, ठीक है, ओके। यहाँ से हम फाइल मैनेजर में आए हैं, और आपको मैंने बताया था कि सिस्टम फोल्डर होता है पब्लिक HTML के नाम से, जहाँ पर सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं, आपकी वेबसाइट अपलोड होती हैं। मैं इस पे जाता हूँ, जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पर डेमो आ गया, डेमो डॉट 4starin, तो ये उसके बाई डिफॉल्ट फोल्डर्स बन गए हैं। अब आपने इस जगह पर अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो वेबसाइट को कैसे अपलोड करना है, फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर रहा वेबसाइट, बल्कि मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स फाइल बना देता हूँ, ठीक है। अगर आप वेबसाइट को अपलोड करना चाहें, चले मैं आपको अपलोड करना ही सिखा देता हूँ। सो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं, और सपोज करता हूँ जी सिलेक्ट पे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी वेबसाइट अपलोड करनी होगी, आपने उसे हमेशा जिप कर देना है, ठीक है। ये मैंने जिप की हुई है फाइल, सो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अनजिप हो रही है, और जैसे ही इसका अनजिप कंप्लीट होगा, अच्छा हम करते क्या हैं कि अपनी जो वेबसाइट होती है पहले उसे जिप करके रख लेते हैं अपने पास, और उसे यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर अपलोड होगी, तो फिर यहाँ पर हम उसे अनजिप करेंगे। और याद रखें कि लैपटॉप के लिए, मतलब ऑफलाइन काम करने के लिए, तो हमें जिप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ना, लेकिन जब हम ऑनलाइन सी पैनल में काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये जिप का सॉफ्टवेयर बिल्ट इन है, तो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमें वहाँ पर भी कोई 7-Zip वगैरह या WinZip इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ले जी, ये मुकम्मल हो गया। यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ पीछे, एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ, देखें ज़रा ये फोल्डर आ गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है जी, इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया हमने, देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमें, कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है जी, एक्सट्रैक्ट का। इसको मैं एक्सट्रैक्ट क्लिक करता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, कहाँ पे इसे करोगे एक्सट्रैक्ट, हमारी डोमेन कौन सी है जी, डेमो डॉट 4starin, फाइन, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं इसका।
क्लोज। यहां पर इसे नजर आना चाहिए, अगर यहां नजर ना आए तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें। ये मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए पब्लिक एचटीएमएल आ गया। लेकिन अब एक बात, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही आपको, बेशक आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। और अभी ये अगर आप ये सीन देखें तो अब सीन क्या बन गया कि पब्लिक एचटीएमएल, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर डेमो, और डेमो के अंदर फिर जाकर एक और फोल्डर आ रहा है। वो कौन सा फोल्डर है? पब्लिक एचटीएमएल का, जहां पर हमारी वेबसाइट पड़ी है। याद रखें आपने यहां पर अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है, तो ये तो एक और नया फोल्डर अंदर बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को क्लिक करते हैं, खोलते हैं, और हमने क्या करना है, बेसिकली इन सारी फाइलों को वापस इस जगह पे लेकर आना है। कहाँ लेकर आना थी? डेमो फोर स्टार पे। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिलेक्ट ऑल करें। अब क्या करना है, मूव करना है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मूव करें। ये देखें मूव का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। सिंपल होगा, कैसे करना है अब हमने, देखें वो बता रहे हैं, कहते हैं एंटर द फाइल पाथ, कहाँ पर लेकर जा रहे हो। अब आप कहें हमें कहाँ लाना था, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर डेमो में लाना था, लेकिन ये एक स्टेप अंदर पड़ी हुई है, तो इस स्टेप को रिमूव कर दो, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मैं इसको मूव कर देता हूँ। जी हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। एक स्टेप पीछे जाइए, एक स्टेप पीछे आ गया। अब बेशक अब आपकी वेबसाइट रेडी है, इसको चलाकर देखते हैं। हमारी वेबसाइट का क्या नाम था? डेमो डॉट फोर स्टार इन डॉट कॉम। अब ये हमारी फोर स्टार इन डॉट कॉम डोमेन है, और डेमो जो है इसकी अंदर सब डोमेन है। चेक कीजिए जी, वेबसाइट हो गई अपलोड, इट्स ओके। ये तो हमने वेबसाइट अपलोड कर ली। अब हम एक काम और करने जा रहे हैं, हमने ये कहा था कि सर्च कंसोल कैसे क्रिएट करना है हमने, ठीक है। तो सर्च कंसोल क्रिएट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहां से मैं आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं, चले, और यहां आकर मैं लिखता हूं गूगल सर्च कंसोल, लिख दिया। यहां से सर्च कंसोल में जाएंगे, ये प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इस अकाउंट को मैं खोल लेता हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले बात समझ लीजिएगा। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना चाहते हैं, या कह लें कि हम गूगल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराने लगे हैं, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट के एनालिसिस करें, ठीक है। तो यहां पर एक ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ आ रहा है, देखें। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी नए अकाउंट पर जाओगे, मैं न्यू अकाउंट पर चला जाता हूं ताकि आपको एक कन्फ्यूजन भी ना हो, क्योंकि आप लोग जब आओगे तो एक न्यू अकाउंट पर आओगे। तो मैं इसको जरा करता हूं मिनिमाइज, मिनिमाइज, मिनिमाइज सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें खोली हुई हैं मैंने। यहाँ से मैं कोई और जीमेल खोल लेता हूँ, ये वाला। आई होप कि इसके अंदर मैंने कोई सर्च कंसोल क्रिएट नहीं किया होगा। तो इस जगह पे आके मैं लिखता हूँ गूगल सर्च कंसोल, इसे खोलते हैं, स्टार्ट। ये मैंने क्या किया, बेसिकली गूगल सर्च कंसोल को जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ। इस तरह आपके सामने दो सीन्स आ जाएंगे, दो स्क्रीन्स आ जाएंगी, एक पे लिखा हुआ है डोमेन और एक पे लिखा हुआ है यूआरएल प्रीफिक्स। अच्छा, ये दोनों तरह से हम अप्रूव करा सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। डोमेन लेवल का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ मेन डोमेन को एक ही दफ़ा अप्रूव करा लेते हैं, और उसके अंदर जितनी भी सब डोमेन्स बनती हैं वो ऑटो अप्रूव होती हैं, ठीक। लेकिन इसके लिए आपको होस्टिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनके थ्रू ये अप्रूव कराते हैं, इसलिए कि इस टाइम पर हमारे आईपीज वगैरह कुछ चेंज होने आते हैं, इसलिए ये प्रोसीजर हम खुद नहीं कर सकते। और हम प्रेफर किस तरीके को करते हैं, यूआरएल वाले को करते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिख देता हूँ। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ लाया, इस जगह पर लाकर हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, और कंटिन्यू करें। अब आपने देखने क्या आता है, अब हमारे पास दो मैसेजेस आएंगे। एक तरीका क्या है, कहता है डाउनलोड द फाइल, कहता है एक काम तो ये करें आपके जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है ये वाली फाइल डाउनलोड कीजिए और इस फाइल को वहां पर अपलोड कर दें। जैसे मैंने अभी वेबसाइट अपलोड की है ना, आप समझ लें उसके साथ एक्स्ट्रा एक ये फाइल भी अपलोड करनी है, एक तरीका तो ये हो गया। सो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसे क्लिक करता हूं तो डाउनलोड हो जाइए, डाउनलोड होना शुरू होगी, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है एचटीएमएल टैग का, कहता है ऐड मेटा टैग टू योर साइट होम पेज। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, डिक्लेयर करनी होती हैं, सब की सब हम HTML के हेड में डालते हैं। तो मैं इस पे आता हूँ और कहता है कि आप एक काम करो, कहता है ये वाला कोड कॉपी करें, कॉपी कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ले जी कॉपी हो गया।
और कहता है अपनी वेबसाइट के हेड पे जाओ और वहां पे जाकर इसको पेस्ट कर दो सिंपली, और उसके बाद इसको वेरीफाई कर लो। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अब हमारे पास दो मेथड आ गए वेरिफिकेशन के, एक मेथड फाइल को डाउनलोड करने वाला और एक मेथड कोड लिखने वाला। तो आप जौन सा मेथड भी अडॉप्ट करें, इन दोनों में से कोई एक अडॉप्ट कर लें, आप जौन सा मेथड भी अडॉप्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन उधर से ही करनी है। फॉर एग्जांपल मैं फाइल डाउनलोड करने वाला मेथड अडॉप्ट करता हूं तो मुझे ये वाला वेरीफाई का बटन यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं कोड के थ्रू वेरिफिकेशन करता हूं तो मुझे ये वाला वेरीफाई का बटन यूज़ करना है, ठीक है। हम दोनों वाले कर सकते हैं, तो मैं एग्जांपल में आपको दोनों तरीके सिखाता हूं, ठीक है। लेकिन करना आपने किसी एक मेथड से है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे उस फाइल को अपलोड करना है, मैं वापस आ जाता हूं जी इधर, मैंने फाइल बना ली है, फाइल सेव कर ली है अपने पास, हम इधर आ गए और सी पैनल में आ जाते हैं वापस जी। ये जी हमारी डेमो डॉट फोर स्टार इन, यहां पर देखें जरा हमारी HTML फाइल कहां पड़ी है इंडेक्स की, ये। अब एक तरीका क्या था कि अपलोड कर लो, पहले मैं अपलोड करता हूं, पहले मैं करता हूं अपलोड सिलेक्ट। फाइल मैंने डाउनलोड की है, वो कहां पड़ी है, वो डाउनलोड में आई है, याद रखिएगा वो फाइल डाउनलोड में आएगी। एक और चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिस के दौरान या वैसे ही एक से ज्यादा फाइलें डाउनलोड करूंगा तो फाइल का नाम तो ये सेम ही होता है ना, तो जब भी मैं फाइल डाउनलोड करूंगा तो इसके आगे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबरिंग आनी शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा वो फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। सो अगर आपके पास पहले से कोई ये वाली फाइल पड़ी हो और आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो पहले पुरानी को डिलीट कर लें, ठीक है। सो इसको मैं डाउनलोड करने जा रहा हूं जी, सिंपल ये डाउनलोड हो गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। मैं इधर आता हूं और मैं कौन सा वेरिफिकेशन मेथड यूज करूंगा, मैंने यूज क्या किया है, डाउनलोड वाला, HTML वाला तो नहीं किया, ठीक है ना, तो इसलिए मैं कौन सा यूज करूंगा मेथड, यही वाला ही, ऊपर वाला वेरीफाई नहीं जी, ऑनरशिप वेरीफाइड, फाइन। ये इतना था प्रोसीजर था वेरिफिकेशन का, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अब आप देखिएगा वेबसाइट यहां पे आ गई होगी, आ गई है, यहाँ पे वेबसाइट आ गई हमारे पास। तो ये तरीका था वेरिफिकेशन करने का, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप इसको आराम से बैठ के घर में बैठ के इसको समझ लें। अभी मैं इस सारी चीज़ों को दोबारा से रिमूव कर देता हूँ, सारी चीज़ों को रिमूव करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, ये जो चीज़ें बनाई थी मैंने इसके अंदर, इन सारों को करता हूँ मैं सिलेक्ट और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, अप वन लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन पड़ी है, बेशक पड़ी रहने डेमो के नाम से जो पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई होगी, डेमो पे आए, ये इस पर राइट क्लिक करें और इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट भी हो गई। अब एक और काम करते हैं जी, वो क्या काम है जी, वो ये काम है कि यहाँ से मेन पर आओ, जहाँ से अभी हमने सब डोमेन बनाई थी, दोबारा से डोमेन्स पे जाएं, ये डेमो किधर है, कह रही आपने बंद कर दिया ये वाली डोमेन, फाइन मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, बल्कि क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑफ ऑफ ऑफ, ये सारी चीजें ऑफ हुई हैं। यहां पे मैनेज पे जाएं, वो बेसिकली मैंने उसको डिलीट कर दिया ना, तो इसलिए वो यहां पे इसको शो ही नहीं कर रहा, हालांकि बाकियों को यहां पे शो कर रहा है। तो इसको मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव, यहाँ से रिमूव कर दें इसको। ये रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया यहाँ से, ठीक है। चलो जी बात खत्म हो गई है। ये वाली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, इसको भी मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं यहां से मैनेज करता हूं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रिमूव, यस, चेक करें। अब एक रह गई है फोर स्टार डॉट फोर स्टार इन, ठीक है, और एक ये वाली रह गई, दो डोमेन्स रह गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी रिमूव करने जा रहा हूं, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं, और
और इसको भी हम यहाँ से मैनेज पे जाते हैं। और कौन सी रिमूव हो रही है जी, फोर स्टार, ये भी सब डोमेन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक एक्चुअल डोमेन पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये लेक्चर था जो हम उस दिन कर नहीं पा रहे थे क्लासरूम में, ठीक है, कुछ इशू था, तो ये मैंने कहा आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ।